हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लॉकडाउन में भी अपनी इवनिंग को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और कैसे उसे आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो नए होंगे अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है मेरा मनी प्लांट और मुझे ऐसा लगता है कि प्लांट्स अब मेरी लाइफ का बिल्कुल पार्ट बन चुका है। इस पैंडेमिक में मैंने प्लांट्स की काफ़ी सारी मतलब वैरायटीज लगाई थी अपने घर में और मेरा जो हॉबी है पेंटिंग उसको भी मैंने बरकरार रखा। तो मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट, ये देखिए आप देख सकते हैं, स्टोन को मैंने कलर करके आर्टिफिशियल कैक्टस बनाया था और इसे आप एज अ डेकोरेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है पेंटिंग करना और ये मैंने एक्रिलिक कलर से किया है। तो कैक्टस नहीं था मेरे पास तो मैंने सोचा क्यों ना इसे पेंट करके बना ले और ये बहुत ही प्रिटी लगता है देखने में छोटा सा। साथ में मैंने बग और एक वाटरमेलन भी बनाया था। यह रात सिंदूर और मैंने मैं गया और बग हाथ में लगाया और एक तो जब तक नींव पूजा कर रहा है मैं बना रही हूँ अपनी चाय और साथ में मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया नींव के लिए। और इवनिंग की पूजा मैं नींव से ही कराती हूँ, इस तरह से वो सीख भी रहा है धीरे धीरे। और ये फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैं आलू को छिलका सहित कट करती हूँ लंबे लंबे स्लाइसेस में और साथ में इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा क्रश गार्लिक, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। राइस फ्लावर नहीं है तो वो भी मैं ऐड करती हूँ। तो चलिए हम बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैं पोटैटोस डाल देती हूँ और इसकी डिटेल रेसिपी भी मैंने शेयर की है शॉर्ट्स में, तो आप देख सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें इसे कुक करना है और बैचेस में कुक करेंगे हम। तो काफ़ी दिनों से नींव डिमांड कर रहा था कि उसे फ्रेंच फ्राइज़ खाना है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना दूं। मैं प्रेफर करती हूं कि घर पे ही बनाऊं तो ये थोड़ा हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। तो अब मैं जा रही हूं फ्रेंच फ्राइज़ नींव को देने के लिए। ये लैपटॉप में वीडियोज़ देख रहा है और साथ में ये फ्रेंच फ्राइज़ भी खा रहा है। मैं अभी चाय पी रही हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि नींव क्या कर रहा है और उसके बाद उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी और उसके बाद फिर करूँगी डिनर की तैयारी। तो उसके साथ थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने से मुझे भी अच्छा लगता है और वो भी खुश हो जाता है। तो अब मैं डिनर बना रही हूँ
सब्जी तो लंच का ही है और मैं बस रोटी बनाऊंगी और सैलड बनाऊंगी। तो मैं एक सिंपल सा स्प्राउट सैलड बना रही हूँ। मेरे पास मूंग और चने का स्प्राउट रखा हुआ है, वो हमेशा मैं बना कर रखती हूँ। उसमें मैं बस थोड़ा अनियन, टमेटो, चिलीज डालूंगी, सॉल्ट डालूंगी एंड इट्स रेडी। तो जब तक नीव पजल बनाता है मैं सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर हम करेंगे डिनर। तो डिनर के बाद नीव थोड़ी देर अपनी वीडियोस देखेगा और मैं भी थोड़ी देर मोबाइल में कुछ देखूंगी, व्हाट्सएप वगैरह। इसके बाद हम दोनों सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।